हमें पता नहीं था कि आपके साथ बच्चे हैं, अगर बच्चे होते तो मैं ये आप रखो आप। थैंक यू। बाकी गुड़िया मेरी मेरी गुड़िया प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पति हो मेरे? तुम इस साल में मुझे छोड़ दिए, तुम पति हो, पति के नाम पे धब्बा हो तुम। चले जाओ यहाँ से, बता दे रही हूँ मैं, कहीं भी जहाँ गए थे ना एक साल पहले वहीं जाओ वापस। भाई ओए क्या है भाई, मैं इसका पति हूँ भैया, प्लीज मेरे उससे मिलवा दीजिए भैया, प्लीज मैं आपके आगे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भैया। भाई ये चीज तुम्हें पहले सोचना चाहिए था हर्षित। अब तुम ये देखो कि तुम डेढ़ साल तक उसको मैक्सिमम छोड़े हो, टोटल एक साल तो हुआ ही है। अब तुम एक साल बाद तुम सामान लेके आ गए, पैसे लेके आ गए, तुम भले चोरी करके लाए पैसा। भैया मैं चोरी करके नहीं आया, मैं अपनी मेहनत से लाया हूँ। आप चाहें देख लो मेरे पास, मेरे पे जितने भी पैसे थे 50-60 हज़ार रुपये मैं लेके आया हूँ। आप प्लीज मेरे को एक बार उससे मिला दीजिए भैया, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। अब उस पैसे को पहले अंदर रख, जब तुम्हें उसकी जरूरत थी। तुमने एक चीज बता, तेरी अरेंज मैरिज हुई थी क्या? जी नहीं, लव मैरिज हुई, लव मैरिज हुई थी, फिर छोड़ के क्यों गए? तुम्हें पहले ये चीज सोचना चाहिए था ना भाई। भैया जब तुम्हारी हर चीज जरूरत थी उस लड़की को, तब तो तुम छोड़ के भाग गए। अब क्या फायदा इतने पैसे का? अब इस पैसे की उसको जरूरत भी नहीं है, वो लड़की अच्छा भला काम कर रही है ना। वो भैया मेरे को एक बार उससे प्लीज मिलवा दीजिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। अब मेरी गलती हो गई, मैं जुए की वजह से ये सब हो गया मेरी वजह से। प्लीज भैया मैं आपके आगे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, प्लीज एक बार यार भाई, जो करना होगा ना, अगर पैर भी पकड़ना है ना उस लड़की का, पैर मैं उस पैर पकड़ लूंगा जिसके साथ तुमने गलत किया है। मेरे भाई तुमने किया उसके साथ गलत, भैया मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, उससे माफी मांग लूंगा। आप प्लीज एक बार उससे मिलवा दीजिए भैया। नंबर उसकी डायल कर पहले इसमें। चीजें तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दी हो ना मेरे भाई, वो मैं समझ रहा हूँ। अब सुन मेरी बात, तुमने जो जो की है एक एक चीज मुझे कैमरे पे डिटेल खुल के बताना, ठीक है? जो जो तुम लास्ट टाइम हुआ था, किस वजह से तुमने पैसे चोरी करी थी 5 लाख रुपए, वो भी अपनी बीबी के पैसे, पूरी चीजें एक एक चीज डिटेल में बताना होगा, ठीक है ना? हेलो दोस्तों, मैं मासूम और हमारे साथ हर्षित है। और हर्षित किस बारे में रिक्वेस्ट कर रहा है, किस लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, किसको लेके कह रहा है, एक एक चीज मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इसने अपने ही बीबी के पैसे चोरी करके भागा, और उस वक्त भागा जब इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। अब जाके एक साल बाद वापस आया जब इसका बच्चा 6 महीने का हो चुका है। मतलब क्या मतलब जरूरत पड़ गई थी मेरे भाई? भैया एक्चुअली शुरू से बताओ मुझे, क्या कैसे कैसे तुम श्वेता से कैसे मिले थे? भैया एक्चुअली हम एक शादी में मिले थे, तो हम एक दूसरे से प्यार हो गया, हमने शादी कर ली थी घर से भाग के। घर से भाग के शादी गई तो मुझमें थोड़ी जुए। कितने साल रिलेशनशिप में रहे उसके बाद? एक साल रिलेशनशिप में, ठीक है। हाँ उसके बाद हमने शादी कर ली, उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट थी तो मुझे जुए की लत थी, थोड़ा मुझ पर 5 लाख रुपए का कर्ज भी हो गया था, तो कर्ज में उसके घर पे पैसे रखे हुए, तो मैं उसके पैसे लेके चला गया कर्ज के चक्कर में, कर्ज चुकाने को, फिर मैं उसके पास लौटा नहीं। ये भैया मुझे अब उससे एक बार मिलना है, प्लीज आप एक बार उससे मिलवा दीजिए। अभी कितने पैसे लेके आए हो? मैं अभी उससे 50-60 हज़ार रुपये लेके आया हूँ। कहाँ से लेके आया? मैं अभी किसी का चोरी का नहीं, मैं इससे अपनी मेहनत से लेके आया हूँ, मैंने खुद कमाए हैं। जुए से खेल के? नहीं, मैं जॉब करता हूँ अब। तो मतलब अब वो क्या काम कर रही है? जोमेटो का काम तुमने बताया, हाँ ठीक है। तुमको कैसे पता चला कि वो जोमेटो का काम कर रही है? मैंने देखा था। अच्छा तुमने देखा? देखा था। तुम एक साल तक कहाँ गायब थे? मैं एक साल मैं बाहर ही था, मैं काम करने लग गया था, उसके बाद अब मैं आया हूँ उससे मिलने के लिए। भाई एक चीज बता मुझे, एक साल बाद अब तुम किसी पैसे के लालच में आए हो या फिर सच में तुम उसके साथ रहना चाहते हो? सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ भैया। देख भाई मैं उसको तो किसी बहाने से बुला ही लूंगा जी भैया, मैं मुझे खर्चे वर्चे होने का कोई डर नहीं है, लेकिन कैमरा चल रही है तुम्हें पता है ना? हाँ भैया। वीडियो कहाँ पोस्ट होती है ये भी मालूम है ना? बिल्कुल भैया। कहाँ से देख के आए हो? मेरी वीडियो देख के? हाँ यूट्यूब पे देखी थी भैया। दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि अब तो ये वापस एक साल बाद आया तो है जरूर, लेकिन श्वेता अगर मानती है तब जाके, मतलब समझ में नहीं आ रहा वो लड़की मानेगी कैसे, मानेगी जब उसे जरूरत थी इसकी, तब तो ये छोड़ के भाग गया। चलो छोड़ के भागा, जो उसकी जमा पूंजी थी 5 लाख रुपए वो भी छीन के भाग गया, मतलब पूरा चोरी करके भाग गया, उससे कंगाल बना के गया। अब जाके 5 लाख के बदले 50,000 रुपये कमा के आया है, अब बोल रहा है उसके साथ रहूँगा। देख भाई तेरी किस्मत है हर्षित, वो तुम्हें तुम्हारे लेके हाँ बोलती है तो तुम उसके साथ दोबारा कंटिन्यू रहोगे, अगर ना बोलती है तो भाई जबरदस्ती नहीं करोगे। कैमरे पे अभी बोल दे उसके साथ तो जबरदस्ती नहीं करोगे, बोलो अभी। जबरदस्ती नहीं करूँगा मैं। अगर वो नहीं रहेगी तेरे साथ
तो तुम नहीं रहोगे, तुम नहीं अपनी दिल की बात जो बोलना है बोल ले, बस भी मैं एक बार कॉल करके देखता हूँ उसको, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा उसको बोलूँ क्या मैं, एक मिनट रुक जा। और कोई नाम है इसका? और कोई नाम है इसका? स्वाति। स्वाति भी बोलते हो? स्वाति बोलते हैं वैसे घर पे तो। अच्छा स्वाति, स्वेता, ठीक है स्वेता ही बोल रही है। उठा कहाँ रही है ये? The number you have dialed is currently busy. काट रही है यार। हेलो, हाँ स्वाति बोल रहे हैं आप? हाँ जी स्वाति बोल रही हूँ मैं। एक्चुअली मुझे ना, मेरा ना, आप अभी डिलीवरी, अभी ड्यूटी पे हो या फिर बाहर हो, मतलब कुछ काम कर रहे हो? नहीं सर, मैं ड्यूटी पे हूँ अपनी। एक्चुअली मेरा ना, मतलब आपसे मैंने 2-3 दिन पहले खाना भी मंगवाया था, ठीक है? तो मेरे पास नंबर एक्चुअली आ गया था, खाना आपने डिलीवरी किया था तो वो मैंने नंबर सेव कर लिया था, शायद आपको याद नहीं होगा, उत्तम नगर में मंगवाया था खाना मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मेरे पास नंबर है आपका और मुझे खाना चाहिए था। जी सर मैं ला दूंगी, आप ऑर्डर कर दीजिए, मैं ले आऊंगी, जैसे मुझे ऑर्डर पास होगा मैं लेकर आ जाऊंगी। नहीं मैम, मैं ऑर्डर होना होता तो फिर मैं आपको डायरेक्ट कॉल क्यों करता, मेरा डाटा फ़ोन का ख़त्म हो गया है, मैंने 3-4 बार ट्राई करा है और मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे केक चाहिए, मेरा आज एनिवर्सरी है सर। तो फिर भी आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी तो मैं लेके आऊंगी सर, ऐसे कैसे आ सकती हूँ ऑन ड्यूटी में। मैं समझ रहा हूँ, आपकी भी ये जो भी रूल है ना, मुझे पता है इसके बारे में, आप अगर ड्यूटी ऑफ कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी जॉब को, आप मेरा सर, बस ऐसे नहीं कर सकती ना सर, ऐसे मेरी ड्यूटी खतरे में आ जाएगी सर। जिस ऑर्डर, बात तो सुनो, आप जो एड्रेस दूंगा आप एड्रेस पे आप सिर्फ केक खरीद के लाओ, आप एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा मैं, आने जाने का जो भी है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, आप बस खाना मतलब केक पहुंचा दो यहाँ पे। फिर भी रिस्क है ना थोड़ा सा कि मेरी ड्यूटी खतरे में आ जाए। नहीं होगी ना कुछ, आप ड्यूटी ऑफ कर दो ना, नेट बंद कर दो अपना जो भी है, ड्यूटी ऑफ कर दो, वो जो लॉग आउट कर दो, हो जाएगी फिर। बस एक केक ले लेना आप, 1 पाउंड की केक ले लो आप, ठीक है ना? 1 पाउंड का। हाँ हाँ हाँ, ये आपका, हाँ उत्तम नगर में है ना, पार्क है, जस्ट हाँ मैं लोकेशन कैसे डालूं, मेरे पास नेट नहीं ना, आप सुन तो लो, उत्तम नगर में पार्क है, गेट नंबर 1 पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है? हुडी, ब्लैक हुडी का मैं, हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है आप आओ जल्दी से, ठीक भाई आ तो रही है जी भैया, पहले मुझे उससे बात करने दे जी भैया, जब तुम्हें मैं चाहूँगा बुलाऊँगा, जब मैं तुम्हें भेजूँगा तब आ जाना, ठीक है? तुम्हारी एनिवर्सरी है, मना अच्छे से जी भैया, मैं भी चाहता हूँ कि वो तुम्हारी हो जाए। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो लड़की यहाँ आने वाली है वो इसकी बीवी है, 1 साल पहले छोड़ के गया था, आज उसकी एनिवर्सरी है, कोशिश तो हम 2-3 दिन से कर रहे थे लेकिन आज मौका लग रहा है कि वो यहाँ पर आएगी। बाकी क्या सारी चीज़ें होती है आप लोग वीडियो में बने रहो, बाकी हम इंतज़ार करेंगे उस जोमेटो गर्ल का। हाँ हेलो, हेलो, हाँ कहाँ पहुँचे आप? सर मैं पार्क में पहुँच गई हूँ, आप दिखाई नहीं दिए होंगे, थोड़ा सा पार्क के अंदर ही हूँ मैं। यहाँ तो खड़ा, ये आप हो क्या इधर? आप ही हैं, आ जाइए आ जाइए। ओह माय गॉड, हमें पता नहीं था कि आपके साथ बच्चे हैं, अगर बच्चे होते तो मैं नहीं, नहीं ये मेरा ही बच्चा है सर। नहीं फिर भी आप इतनी, मैं सैल्यूट है, सच बता रहा हूँ मैं बच्चा पकड़ लूँ क्या? नहीं सर मैं कर लूँ। नहीं तो आप कैसे करोगे, बैग तो निकालोगे ना, बच्चा मैं पकड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो आपको अच्छा लगे तो। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ, चलिए आप वहाँ दे दीजिए सामान। हाँ हाँ हाँ, सच में मैं बताऊँ मैं बहुत हैप्पी हूँ कि इतनी जिगर लेके आप काम कर रहे हो, भी इस जमाने में लोग कहाँ मेहनत करना चाहते हैं। काम तो काम ही होता है सर, करना पड़ता है। यहाँ रख दो आप केक, सर आपका केक यहाँ रख दो, थैंक यू सो मच, ले लीजिए आप, थैंक यू सो मच फॉर केक, बट मैं देख लेता हूँ एक बार, केक चेक कर लेता हूँ।
केक तो ठीक है, कितने हो गए? सर मेरा हो गया 200 का केक हो गया आपका। ओके बट जो भी है सर ये रख लो, नहीं होगा कोई नहीं, आप रखो ये सर फिर भी नहीं, आप रखो ना, बात समझो ना, आप रखो, नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, इस तरह का सिचुएशन आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, बस मेरी हेल्प कर देना आप, ठीक है? ये आप रखो आप, थैंक यू। बाकी क्यूट बच्चा है केक। सर यहाँ आपने पार्क में मंगाया कैसे? अरे एक्चुअली मेरा मतलब आज बर्थडे नहीं है, मेरा आज एनिवर्सरी है। अच्छा अच्छा सर, तो फिर मैम कहाँ है? तो वो आई नहीं ना, वो मेरे से गुस्सा है ना, नाराज है सर, तो मैम को लेके आते ना। तो मैंने उसको 1000 बार कॉल करा, बस अब करना कुछ नहीं है, वीडियो बनाएंगे घर जाके दिखाएंगे उसको, मैंने उसको बुलाया, यहाँ पे है नहीं, वो माइके में। मैम को सॉरी और बोल देते सर। अरे कोई बात नहीं, कोई, मैं कितनी बार बोलू, मैं बोल के थक गया ना। आज मेरी भी एनिवर्सरी है। आपकी एनिवर्सरी है सीरियसली? फिर आपको मैं जाने नहीं दूंगा, आप मेरे साथ, आप मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, बैठो। नहीं नहीं मैं, आप मेरे साथ, मैं ना उन बातों को याद करना नहीं चाहती। मैं समझ रहा हूँ, आप पता नहीं मुझे क्या, मैं ये समझ गया, मैं ये देख के ही, अगर आपके हस्बैंड होते साथ में तो मतलब कहाँ है वो? नहीं सर मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करना है ना, वो जिंदा है ना? हाँ सर होंगे। तो मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो होता आपके साथ तो फिर आपका बच्चा ऐसे थोड़ी आपके साथ होता, तो वो तो घर पे होता ना। जिंदगी में एकदम बहुत अच्छी खुश हूँ। बाय द वे मेरा नाम मासूम है, हेलो, आपका नाम? मेरा नाम श्वेता है सर। श्वेता, नाइस नेम। स्वाति श्वेता। अच्छा स्वाति जी, मैं एक्चुअली मैं आपको, मैं अपनी बीवी का दर्जा तो नहीं दे सकता, मैं एक दोस्त बोल के मैं साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सर कैसे कैसे, मैम को अच्छा नहीं लगेगा ना? अरे मैम को छोड़ो ना, मैम को अगर अच्छा नहीं लगता, अगर अच्छा लगता ना तो वो यहाँ होती मेरे साथ, बिना छोटी सी बात को लेके लड़ी है वो, छोटी सी बात। फिर भी मेरा जॉब सर, मुझे टाइम, आपका जॉब है तो क्या दिक्कत है, मतलब आप तो ऐसे भी ऑफ करके आए हो ना, ड्यूटी ऑफ करके आए हो, फिर भी बाकी आप चलिए, आप थोड़ा जल्दी करिएगा, पक्का हम लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस 5 मिनट सर। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। रुको मैं केक निकाल रहा हूँ बाहर, लेकिन अरे माचिस नहीं है मेरे पास। सर आप बता देते, आपके पास माचिस नहीं है तो मैं लेके आती माचिस, लाइटर कुछ। माय गॉड, से लेके आऊँ क्या? 2 मिनट लगेंगे बस, 2 मिनट। बैठो आप, बैठो प्लीज, जल्दी आइए, 2 मिनट लगेंगे, बैठो आप, ठीक है? आप अपना फोन रख लो हाथ में, ठीक है? जी सर मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट, बस 2 मिनट। जी सर। गुड़िया मेरी, मेरी गुड़िया, माफ कर दो स्वाति प्लीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वाति प्लीज माफ कर दो यार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, कैसे आए तुम? स्वाति माफ कर दो प्लीज, तुम यहाँ से जाओ प्लीज यार, तुम यहाँ से जाओ, मैंने बोला मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है, तुम यहाँ से माफ कर दो यार, चले जाओ यहाँ से, नहीं बिल्कुल भी नहीं, प्लीज स्वाति प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं यार मुझे बात सुन लो, कोई बात नहीं करनी स्वाति, हाथ जोड़ो तुम्हारे आ गया, तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे स्वाति, हाथ जोड़ो, मेरा पैर पकड़ो प्लीज यार, एक बार मेरी बात सुन लो यार, तुम चले जाओ बस यहाँ से, एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे और मेरी बच्ची को अकेला छोड़ दो, मेरी भी तो बच्ची है, तुम्हारी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची है, मेरी भी तो बच्ची है, नहीं है ना, ये मेरी बच्ची है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं स्वाति, तुम चले जाओ, बता दे रही हूं सर कहां चले गए मुझे यहां, स्वाति प्लीज माफ कर दो यार प्लीज, स्वाति प्लीज माफ कर दो, चले जाओ यहाँ से, बता दे रही हूँ मैं, कहीं भी जहाँ गए थे ना एक साल पहले वही जाओ वापस, तो हो गई गलती प्लीज माफ कर दो, ये गलती नहीं होती है, गुनाह किया है तुमने मुझे ऐसे इस हालत में छोड़ के, पकड़ तो रहा हूँ तुम्हारे, बिल्कुल भी नहीं प्लीज यार माफ कर दो यार, चले जाओ प्लीज यहाँ से, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे, तुम चले जाओ, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी तुम्हारी प्लीज यार, चले जाओ, मेरी भी तो बच्ची है वो, अपनी जबान से ना मेरी बच्ची का नाम नहीं लेना, मेरी बच्ची है वो, मेरी बच्ची, मैंने अकेले बच्ची को अपनी को जन्म दिया, अकेले पाला पोसा है मैंने इसे, ठीक है, और मैं अपनी जिंदगी में ना बहुत खुश हूँ, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं माफ नहीं कर सकती तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, चले जाओ प्लीज, चले जाओ आप यहाँ से, मैं जा ही नहीं सकती तुम्हारे साथ, नहीं जा सकती मैं, अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती बिल्कुल भी, मेरी बच्ची नहीं है वो, नहीं मैं तुम्हारी बच्ची की बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी बच्ची है, मेरी भी तो बच्ची है, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, नहीं स्वाति यार प्लीज माफ कर दो यार, बिल्कुल नहीं, और तुम चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ बस चले जाओ, स्वाति माफ कर दो यार, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम दूर हो जाओ, चले जाओ, प्लीज स्वाति माफ कर दो ना यार, मेरी भी तो गलती है, माफ कर दो, माफी तो मांग रहा हूँ, मैं माफ नहीं कर सकती तुम्हें, क्यों हो गई गलती, माफ कर दो, अब संग लेने आया हूँ तुम्हारे को, ना संग वंग में कहीं नहीं जा सकती, मैं अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे से खुश हूँ, काम कर रही हूँ अपना, अपनी बच्ची को पाल रही हूँ, खुश हूँ मेरी बच्ची भी, और मैं मैंने भी वो गलत आदत छोड़ दी, मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना, तुम गलत आदत कैसे छोड़ देते हो, प्लीज माफ कर दो, कोई नहीं छोड़ सकता, तुम किस साल में छोड़ के गए, जो मेरे पास पैसे थे वो पैसे, मैं मानता हूं मेरी पैसा जरूरी थी तुम्हें, है मेरी जरूरत था,
कर्ज था तो मुझसे बोलते ना, मैं पैसे देती तो मैं लेके भागने की क्या जरूरत थी। गलती अब बोल तो रहा हूँ, ऐसे हाल में कि जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हें पता है इस हाल में हूँ, इस हाल में तो मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब छोड़ के गए हो तो मान रहा हूँ गलती होगी, अब बात हो गया, अब तो संग रह लो ना प्लीज। नहीं मैं नहीं रह सकती प्लीज स्वाति, मैं नहीं रह सकती हूँ, मुझे टच मत करो प्लीज स्वाति, माफ कर दो ना यार, अब संग रह तो रहा हूँ प्लीज यार। नहीं मैं रह तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती प्लीज स्वाति, माफ कर दो ना यार, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं भी तो खुश नहीं हूँ ना, मैं भी तो संग लेने आया तुम्हें। नहीं मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ प्लीज स्वाति, संग चलो ना यार। नहीं प्लीज मेरे को एक बार बच्चा तो पकड़ा दो यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेरा भी बच्चा नहीं, तो एक बार पकड़ा तुम्हारा बच्चा है? नहीं है ये, मेरी बच्ची क्यों? है नहीं मेरी बिल्कुल बच्ची नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, एक बार तो दे दो गोदी में, बिल्कुल नहीं दे सकती, ये मेरी बच्ची है प्लीज यार सॉरी, एक बार दे दो, तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूं प्लीज यार, प्लीज एक बार दे दो, नहीं दे सकती मेरी बच्ची, एक बार दे दो ना, नहीं दे सकती ना मैं, मेरी बच्ची एक बार दे दो ना, फिर ले लेना, ले लेना मैं मना नहीं कर रहा, तुम्हें देखना ही है इसे, देखो मेरी बच्ची को, एक बार गोद में तो दे दो यार, मेरी भी तो बच्ची है ना प्लीज दे दो ना, कैसे कर रहे हो, अरे तुम मेरे को दे दो ना यार, आप संग चलो आप मेरे, नहीं मैं नहीं जा सकती, तुम दे दो मुझे वापस, दे दो मेरी बच्ची, मेरी बच्ची वापस दे दो यार प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे यार, नहीं हो गई गलती प्लीज, अब माफ तो कर दो, मैं माफ नहीं कर सकती, छोड़ दी मैंने, तुम चले जाओ यहाँ से कहीं भी जाओ बस, नहीं मुझे मेरी बच्ची को मेरे हाल पे छोड़ दो, नहीं पैर पकड़ रहा हूँ बच्ची के, अब नहीं झूठ बोलूंगा, अब नहीं करूंगा कुछ भी, अब तो सही काम कर रहा हूँ मैं नहीं मान सकती, मैं भरोसा नहीं कर सकती तुम पे, तो एक बार मौका तो दो यार, हो गई गलती माफ कर, माफी मांग तो रहा हूँ तुमसे, नहीं स्वाति यार माफ कर दो, मैं माफ नहीं कर सकती, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकती यार, मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या पति, तुम पति हो मेरे, तुम इस साल में मुझे छोड़ के गए, तुम पति हो, पति के नाम पे धब्बा हो तुम, यार मैं मान रहा हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, गई गलती अब तो माफ कर दो, बिल्कुल नहीं कर सकती, जिस टाइम मुझे जरूरत थी ना तुम्हारी, तुम उस टाइम पे मुझे छोड़ के गए हो, और पैसों को लेकर चले गए, पैसे पैसे अहमियत थी तुम्हारी जिंदगी में, पैसों की माफ कर दो, तुम्हारी ये लत है ना जुए की लत, ये तुम्हें एक दिन ले डूबेगी, और वही हुआ है तुम्हारे साथ, छोड़ दी यार, मैं नहीं कर सकती ऐसा, बोल दिया यार चले जाओ मेरी जिंदगी से बाहर, तुम्हारी यार मैं नहीं मान रही हूं, चले जाओ मुझे, मत छुओ मैं कह रही हूं, मत छुओ और चले जाओ यहां से, नहीं चले जाओ यहां से, ठीक है यार, एक बार बच्ची तो दे दो मुझे, बच्ची को मत छुओ, बोल रही हूं ना मेरी मेरी बच्ची है वो, उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, यार प्लीज यार माफ कर दो यार, नहीं कर सकती मैं, मैंने कह दिया तुम चले जाओ यहाँ से, एक मौका तो दो मुझे, कोई मौका नहीं है तुम्हारे पास, सारे मौके गवा दिए तुमने यार, एक मौका दे दो, नहीं दे सकती मैं प्लीज यार, तुम्हारे जैसे इंसान पे भरोसा नहीं कर सकती मैं, और वो भी बच्ची को लेके बिल्कुल भी नहीं कर सकती यार, अब मेरा भी मन है, मैं भी तो संग रहने आया हूँ तुम्हारे, नहीं मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ बिल्कुल भी, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, ठीक है तुम चले जाओ यहाँ से, सर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मैं सामान छोड़ के भी नहीं जा सकती यार, प्लीज यार माफ कर दो यार, अब तुम चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो, ठीक है, और ना मुझे दिखो भी नहीं, इसे कहाँ रख रहे हो सामान, तो सामान यहाँ रखो ना, सर का सामान ही रखो यहाँ, अब तो यही रखा है, लेके भी जा रहा ना यार, प्लीज यार अब तो माफ कर दो यार, क्यों बैठ रहे हो यहाँ, क्यों बैठ, दूरी तो बैठा तुम, दबा दूर रहो, और दूर क्या मुझसे दिखो भी मत तुम मुझे यार, प्लीज यार माफ कर दो, संग रह लो ना, नहीं नहीं संग रह लो, प्रॉब्लम क्या है अब तुम्हें, नहीं रह सकती यार, अब सारी गलत आदतें छोड़ तो दी मैंने, क्या छोड़ दी, भरोसा करो तुम पे, तुम ये चाह रहे हो दोबारा से, दोबारा धोखा दो तुम मुझे, यार नहीं दूंगा ना धोखा यार, तुम्हारे जैसे आदमियों की यही फितरत होती है, हम लड़कियां भरोसा करते हैं, तुम ऐसा ही करते हो फिर दोबारा से, यार प्लीज यार नहीं छोड़ूंगा ना यार, प्लीज मान जाओ ना यार, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, अपना जॉब कर रही हूँ, अपनी बच्ची को लेके बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी बच्ची भी खुश है और मैं भी खुश हूँ यार, मैं भी तो खुश नहीं रहा ना, आप मेरे संग रह लो ना, दिक्कत क्या है, अब छोड़ दो दी सारी गलत आदत, छोड़ दो दी यार, नहीं प्लीज यार, नहीं मैं तुम्हें नहीं कर सकती यार, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, माफी मांग रहा हूँ यार, प्लीज यार प्लीज ना यार, माफ कर दो, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, पता है जिस टाइम पे मुझे जरूरत थी उस टाइम पे भरोसा तोड़ा है तुमने, प्लीज माफ कर दो ना, माना यार वो वक्त गलत था, अब तो सुधर गया ना मैं कैसे मान लूं तुम सुधर गए हो, कैसे यकीन कर लूं, तो यार यकीन करूं ना मैं, आज तुम्हारे हाथ के हाथ जोड़ रहा हूं यार, प्लीज ना यार, प्लीज यार माफ कर दो, सही मैं अपने लिए माफ कर दूं, बच्ची के लिए क्या माफ कर दूं यार, बेशक मुझे आप, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज यार मुझे मेरी बच्ची के साथ रहने दो, प्लीज यार कैसे रहने दो बच्ची के साथ, कल को तुम फिर ऐसे ही धोखा दोगे, नहीं दूंगा ना, नहीं दूंगा प्लीज यार, पैसों के लिए तुमने धोखा दिया मुझे, पैसों के लिए, अरे तो पैसे मैं भी लाया हूं ना कमा के यार, पैसे मुझे पैसों की जरूरत थी क्या, पैसे तो मैं लेके ही आई थी ना पहले से घर से, मैं बोल तो रहा हूं यार, प्लीज यार माफ कर दो ना यार, कैसे कैसे माफ नहीं कर सकते, मुझे मेरी बच्ची के संग रहने दो, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा प्लीज,
मुझे मेरी बच्ची के संग रहने दो यार प्लीज। मैं विश्वास नहीं कर सकती ऐसे यार प्लीज यार। क्या हो गया? क्या हो गया सर, ये क्या है? कहाँ चले गए थे इस, आपकी वजह से पता है मैं यहाँ मैं तो माचिस खरीदने चला गया। इतना टाइम लगता है सर माचिस के लिए? इतना मेरा पूरा दिन खराब हो गया इस आदमी का चेहरा देख के। भाई ओए क्या है? भाई मैं इसका पति हूँ। पति है तो पति के नाम पे धब्बा है यार, पति है यार। ये कितने गर्व से बोल रहा है कि मैं पति हूँ। क्या क्या मैटर क्या है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बच्ची है। कोई पत्नी नहीं है ना, कोई बच्ची है तुम्हारी। यार ऐसा क्यों बोल रही हो यार? ये यहाँ कैसे आया? पता नहीं सर। क्या हो गया, पति के साथ नहीं रहना है क्या आपको? नहीं रहना सर। लेकिन क्यों? और आप, ये हमारा मैटर, आप ना बोले सर बीच में। ठीक है मैं नहीं बोल रहा, लेकिन आप कब तक पति के बिना रहना चाहते हो? कितना साल? कितना साल क्या, मैं ताज़ जिंदगी रहूंगी पति के बिना। बच्चा बड़ा होगा तो क्या जवाब? कोई बात नहीं, है नहीं बोल दूंगी। हीरो आप छोड़ के क्यों गए थे सर? भैया उस टाइम मेरी गलत आदत है, गलत संगत थी मेरी, जुए की लत थी मुझे, उस टाइम हो गई गलती। अब मैं माफी मांग रहा हूँ, बिल्कुल सारी गलत। अब एकदम से आके तुम माफी मांगो और दोबारा से मेरी लाइफ बर्बाद करने आ गए हो। नहीं करूंगा नज़वाती यार, इतनी मुश्किलों से मैंने खुद को मतलब इस लायक किया है कि मैं अपनी बच्ची को और खुद को पाल सकूं। भैया अब मेरी वो कोई भी गलत आदत नहीं है। अब देखो मैं इसके लिए पैसे भी लेके आया हूँ यार। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। देखो भैया पैसे लेके आया हूँ। देखो भैया ये मेरी मेहनत की कमाई है, कोई गलत काम की नहीं है भैया प्लीज। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। नहीं जुए में नहीं जीता भैया, मैंने सारी गलत आदतें छोड़ दी। क्या गारंटी है मेरे भाई अगर साथ, अगर ये बेचारी जोमेटो का काम कर रही है, जब मैंने इसको ऑर्डर करा था सामान, ये बच्चे को लेके आई साथ में, तुम समझ रहे हो इस बच्चे की भी जिंदगी कितनी खराब हो चुकी है। मानना हूं इसलिए मैं इसके साथ रहना चाह रहा हूं। करती होगी उतने देर बच्चा भी ट्रैवलिंग करता होगा, तुम समझ रहे हो ये चीज़? भैया बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं भी इसलिए बच्चे के साथ रहना चाह रहा हूं। बच्चे को बांध के कपड़े में ये डिलीवरी कर रही है सामान, साइकिल चला के, तुम ये चीज का मतलब समझते हो? बच्चे को भी कितना परेशानी होता है, बॉडी बार बार पिसता होगा। भैया ये सब दिक्कतें इन्हें कहाँ समझ आती है, इन्हें बस ये समझ आता है। उसके लिए सॉरी, मेरे वजह से आपका दिन खराब हुआ, आई एम सो सॉरी। लेकिन अब ये पछतावा लेके आया तो मतलब क्या नहीं रहना आपको साथ? मुझे नहीं रहना है साथ, साथ में भरोसा कैसे कर सकती हूँ सर? आपके लिए मुझे पैसों की जरूरत होती तो पैसों तो थे ना, पहले भी मेरे पास पैसे थे, घर से मैं पैसे लेके आई थी, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी। तो फिर वो पैसे? फिर पैसे ये लेके गया ना, 5 लाख रुपए मेरे पैसे लेके गए। 5 लाख रुपए आप लेके भाग गए? मानना हूँ भैया, मैं बोल तो रहा हूँ हो गई गलती, मैं अभी नहीं बता सकता, वो किसी मजबूरी में ले गया था मैं। क्या मजबूरी में ले गए थे तुम? क्या मजबूरी थी? लड़की बाजी की थी तुमने? क्या यासिया की थी तुमने जो 5 लाख रुपए ले गए थे तुम? यार जुए में हार गया था बोला तो था तुम्हें? जुए में हार गया था? कोई 5 लाख रुपए जुए में हारता है क्या? यार हार गया था, कर्ज हो गया था, मुझे धमकियां मिलने लग गई थी यार वहां से। दारू पी के जुआ खेलता था? हाँ वही तो, दारू पी के जुआ खेलना वही रह गया था बस। आपको स्वाति जी आपको रहना है इसके? नहीं मुझे नहीं रहना। हाँ भगा दीजिए मुझे, नहीं रहना प्लीज। मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ भैया प्लीज। पैर मत पकड़ मेरी भैया प्लीज। बताओ आपको दुनिया के सामने आपसे माफी मांगेगा तो फिर रखोगे इसको? फिर भी कभी ना कभी वो होता है ना, एक आदमी जो गलती करता है उसे आदत हो जाती है गद्दारी करने वाली, वो ही है। सब छोड़ दिया मैंने। आप मानते हो ना दुनिया सबूत पे चलती है? हाँ सबूत पे चलती है। अगर ये आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहेगा वो भी पूरी दुनिया के सामने, तब रहोगे साथ? बोलो। वो सब छोड़ दिया मेरे साथ ही। चीजें हम समझ रहे हैं, एक साल तक क्या हुआ आपके साथ वो मैं तो दर्द नहीं ले सकता, लेकिन अभी जो बंदा रियलाइज करके रो रहा है सामने, देखो वहाँ कैमरे, देखो वहाँ कैमरे लगा हुआ है। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे लाखों मिलियंस में व्यूज आती है, लाखों लोग देख रहे होंगे अभी ये वीडियो। तो भैया आप सर सॉरी सर, आपने ऐसा क्यों किया? आपने किया भी फिर क्यों किया ऐसा, बताइए। आपने मेरे साथ ऐसे किया? जोर के आपसे माफी मांग रहा हूँ, मैं किया, मैं मानता हूँ, लेकिन ये आप दोनों को मिलवाने के लिए किया, एक बच्चे को उसके बाप से मिलवाने के लिए किया मैंने। फिर भी आप देख रहे हैं ना मैं किस तरीके से जॉब कर रही हूँ, अपना अपनी बच्ची को भी देख रही हूँ, खुद को भी देख रही हूँ। आज एनिवर्सरी है आपका, आज दिन शुरुआत करो नया। आप आज से 2 साल पहले इससे शादी किए थे, आज फिर से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, फिर से आप एक साथ जोड़ रहा हूँ। और सुन मेरी बात, बच्चे दे दो आप मुझे, रीजन बता पहले तुम 5 लाख रुपए क्यों चोरी किए थे? भैया मैं इसलिए चोरी किया था, मेरे ऊपर कर्ज हो गया था, मुझे वहाँ से धमकियाँ मिलने लग गई थी, अगर तूने 5 लाख रुपए नहीं दिया तो तुझे मार दूंगा जान से, इसलिए मुझे चला के भागने पड़े। सुने ये मामला था,
तो मुझे बता भी तो सकते थे, मैं पैसे दे देती, मैं खुद खुशी से कह देती पैसे तो मुझे दिया, जिससे भी पैसे लिए तुम दिया, हम दोनों साथ में कमाते यार, दोनों अच्छे से रहते। मेरे पे कर्जा हो गया, मुझे धमकियां मिल रही हैं यार। तो भागने से तो अच्छा था, जो अकेले मैंने दिन गुजारे हैं बच्ची को लेके। भागना ही था तुझे तो, बीवी को लेके भाग जाता ना। और उस हालात में मैं कैसे रही हूँ अकेली बेचारी, कैसे हॉस्पिटल जाना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। देखो स्वाति, मैं तो यही कहूँगा, इस बच्चे को ना इसके बाप को मत छीनो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये आपको दिया है कष्ट, लेकिन इस बच्चे को आपको कुछ नहीं किया है ना, वो मैं मान सकती हूँ सर। हाँ, आपकी बात राइट हक है, इस राइट है एक बच्चे के साथ रहना। अगर देखो ये प्यार से आपसे भीख मांग के आपके साथ रहना चाहता है ना, तो रहने दो। अगर देखो हम धमकी नहीं दे रहे, ये चाहता तो आपके ऊपर केस करके वही पैसे से बच्चे छीन सकता था। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस बच्चे को आपको इसके बाप से मिलने दो, आपको इसके साथ नहीं रहना, नहीं रहो। लेकिन आज एनिवर्सरी है, हम तो यही कहेंगे अच्छा है, अभी मौका है, दिन अच्छा है, साथ हो जाओ, बहुत अच्छा होगा, इससे अच्छा दिन कभी नहीं आएगा। मौका भी है, दस्तूर है, वीडियो बन दिया। अगर ये आगे धोखा देगा ना, इसकी खैर नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जेल के अंदर डालूंगा, सरेगा साला जेल के अंदर पूरी जिंदगी। इसकी हिम्मत है आपको छोड़ के जाएगा आप दोबारा? क्यों छोड़ के जाएगा? नहीं जाऊंगा भैया, अब संग रहूंगा मैं अपनी बच्ची। 4 लाख रुपए ले लिए और इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे छोड़ के गए, सबसे बड़ी गंदी बात कही है समझ रहे हो? ये चीज के लिए रो रही थी, घर से लेके आई थी ना, तेरा पैसा था वो, तुमने कमाया था जो 4 लाख रुपए लेके भागा था। साला धिक्कार है तुम पे, तू है तुम पे। स्वाति अगर माफ कर सकते हो तो माफ कर दो यार, माफ कर दो, आपको बताया तो था यार, कर्ज हो गया था यार, प्लीज यार, लोगों के सामने भीख मांग रहा है ये आपसे। मतलब तुम्हें याद था कि एनिवर्सरी है हमारी आज, याद था इसलिए तो आया था यार आज के दिन यार, प्लीज स्वाति माफ कर दो यार, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। हाँ मत जोड़ो, तुम ये बता भी तो सकते थे कि पहले ये सब के मेरे ऊपर कर्जा हो गया, ये इतना सारा मुझे धमकी मिल रही है, तो मैं खुद ही पैसे दे देती ना तुम्हें, तुमने ये सब क्या किया? अब संग रहूंगा तुम्हारे, पक्का ना? हाँ पक्का, आपकी कसम। ठीक है चलो, हम साथ रहेंगे, हम अपने बच्चे को साथ में रखेंगे, है ना? बिल्कुल ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ ना भाई, तू भी बैठ केक काट के साथ में, ठीक है? बात खत्म कर, नया दिन शुरुआत कर, हम यही कहेंगे। बच्चा भी देखो कितना खुश है, देख रहे तुम दोनों को। आजो ओ बाबू, पापा आ गए तुम्हारे। देख भाई मैं यही कहूँगा, चीजें तो होती रहेगी ये सारी चीजें, लेकिन जिंदगी में कभी भी इस लड़की को छोड़ के मत भैया, आप नहीं जाऊंगा, अब इससे बेहतर जिंदगी कभी नहीं मिलेगी। हमारी बीबी है, तुम्हारे बच्चे हैं, खुश रहना साथ में। मैं निकाल देता हूँ केक, रुक जाओ। और रही बात एनिवर्सरी का, मेरा कोई एनिवर्सरी नहीं सर, सारे कुछ तुम्हारा ही है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ जी सर, जो भी चीज़ आपने सब ये सब मेरे लिए किया सर, बस तुम्हारे लिए था ये, और तुम्हारे पति का ख्वाहिश था कि तुम्हारे साथ एनिवर्सरी, कोई बात नहीं, एनिवर्सरी मना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक साथ केक काटो और मेरी वीडियो को 4 चांद लग जाएगी, बाकी मैं वीडियो पोस्ट नहीं करूँगा जब तक तुम नहीं बोलोगे। नहीं सर, लेकिन पोस्ट होनी चाहिए क्योंकि इसके लिए सबक है। बिल्कुल सर, और आगे आने वाले लोगों के लिए भी सबक है कि वो ना करें ऐसा उनके लिए। पक्का दिल से साथ होना भाई। बिल्कुल भैया, बिल्कुल दिल से साथ, अब नहीं छोड़ूंगा। सच में ना तुम नहीं छोड़ूंगा साथ, आपकी कसम, बच्चे की कसम, नहीं खाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ठीक है चलो, एनिवर्सरी बनाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, खुश रहो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, मैं यही चाहता हूँ, तुम लोग बहुत प्यार से रहो। श्वेता हम समझ रहे हैं, तुम बहुत डिफिकल्ट जिंदगी जी हो साथ, लेकिन अब जो जिंदगी तुम्हारी होगी ना, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होगी जी सर। थैंक यू, ठीक है ना भाई, आप तो लड़ाई नहीं होगी? नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी, मैं उम्मीद करूँ ना तुमसे जी भैया। देख तुम्हारे वजह से मैंने वीडियो बनाई, मैं चाहता भी नहीं था इस तरह का काम करना, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं था कि ये माफ करेगी। अब मुझे लग रहा है इसका दिल बहुत बड़ा है, तू ही घटिया इंसान था जो छोड़ गया। तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ, तुम बुरा मत मानना यार, मान लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो सच बात है फैक्ट वही बोल रहे हैं। इसका दिल बहुत बड़ा है, जो इतना कुछ होने के बाद भी ये तुम्हें माफ कर दे, तुम समझ रहे हो इसका मतलब?
बाकी दुनिया देख रही है, नीचे कमेंट पढ़ लेना, तुम्हारे लिए अच्छा ही हो रहा होगा क्योंकि अब तुमने अच्छा कर दिया। अंत भला तो सब भला, सब भला। ठीक है ना, खुश रहना। ठीक है सर, थैंक यू।